वो भूतिया पेंटिंग अभिजीत के सामने आग की लपटों में जल रही थी। उसे लगा कि अब वो आदमी कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। इस बात से उसे सुकून मिल रहा था, पर साथ में उसे अपना दोस्त गंवाने का गम भी हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक को उस आदमी ने सिर काट कर मार डाला है। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था जिसने उन्हें वो भूतिया पेंटिंग दी थी। पर वो सोच रहा था कि उस लड़की ने उसके साथ ये सब क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो उसकी मदद करके उसे अपने घर में पनाह दी थी, पर उस एहसान फरामोश लड़की ने उन्हें मौत का तोहफा दिया था। तभी अभिजीत को घर के दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। शायद घर के बाहर खड़ी लड़की ने बाहर से दरवाजा खोला था। अभिजीत को पता चल गया कि वो लड़की घर के अंदर आने वाली है और उसे जिंदा देखकर वो उस पर हमला भी कर सकती है। इसीलिए उसने अपने क्रिकेट बैट उठाया और दरवाजे के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वो लड़की उस कमरे में आई और जलते हुए कपड़ों और पेंटिंग की तरफ देखने लगी। तभी उसे उसके पीछे अभिजीत के होने का एहसास हुआ और उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। तभी अभिजीत ने उसके सिर में जोर से बैट मारी। वो लड़की जमीन पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की कि तभी अभिजीत ने फिर से उसके सिर पर बैट दे मारी और उसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई। अभिजीत ने उसके सिर की तरफ देखा, पर इतना मारने के बावजूद उस लड़की के सिर से खून का एक बूंद भी नहीं निकला था। ये देखकर उसे थोड़ी सी हैरानी हुई, पर बगैर समय गवाते उसने उस लड़की को रस्सी की मदद से एक कुर्सी से बांध दिया। कुछ ही देर में वो लड़की होश में आई। अभिजीत उसके सामने ही उसके जागने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो ये जानने के लिए बेताब था कि वो शहर के लड़कों की जान क्यों ले रही है और वो भूतिया पेंटिंग के अंदर का आदमी कौन है और वो आदमी उस बरगद के पेड़ को लड़कों की बलि क्यों चढ़ाता है। बताओ, तुम शहर के लड़कों की जान क्यों ले रही हो, उसने लड़की से पूछा। वैसे वो लड़की हंसी और बोली, सच सुनने की ताकत रखते हो बच्चे। बच्चा, मैं कोई बच्चा ना हूँ और तुम बात को फैलाओ मत। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, वरना इस बैट से तुम्हारा सर कुचल दूंगा, अभिजीत ने उस लड़की से कहा। तुम मुझे सिर कुचल कर मार नहीं सकते बच्चे, क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ, वो लड़की बोली। और वो आगे बोलने ही वाली थी कि तभी अभिजीत बोला, चुड़ैल और तुम। और ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है। तभी वो लड़की देखते ही देखते एक बुढ़िया में बदल गई। अभिजीत ने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे हो चुके थे। ये देखकर वो डर के मारे कांपने लगा। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल बोली, डरो मत लड़के, मैं एक बूढ़ी चुड़ैल हूँ। चुड़ैलों की उम्र 500 साल होती है। मेरी उम्र 499 साल 11 महीने और 25 दिन है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। दिन ब दिन मेरी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही हैं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे इस लकड़ी के बैट से घायल हो गई, वरना तो एक धारदार तलवार भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो शैतानी बरगद का पेड़ हम चुड़ैलों को नई जिंदगी देता है, पर उसके लिए हमें उसे 100 लड़कों की बलि चढ़ानी पड़ती है। अब तक मैंने 70 लड़कों की बलि चढ़ाई है, और अगर अगले 5 दिनों में मैंने उस बरगद के पेड़ को 30 बलियां नहीं चढ़ाई तो मैं मर जाऊंगी। और वो भूतिया पेंटिंग, उसके बारे में कुछ बताओ, अभिजीत ने उस चुड़ैल से पूछा। वो तस्वीर पृथ्वी लोक और नरक को जोड़ने वाला जरिया है। वो बरगद का पेड़ नरक में है और वो आदमी उस शैतान पेड़ का सेवक है, जो उसे हम चुड़ैलों की ओर से बलि चढ़ाता है। वो बहुत ही ताकतवर है, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि उस पेंटिंग को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, उस चुड़ैल ने कहा। पर मैंने तो शैतान के सेवक को उसी पेंटिंग में जलाकर मारा, और अब तो वो पेंटिंग भी आग में जलकर राख हो गई है, अभिजीत ने चुड़ैल से कहा।
तभी वो चुड़ैल हंसी। किसने कहा कि पेंटिंग जलकर राख हो गई है और शैतान का सेवक मर चुका है। तभी अभिजीत को अपने पीछे से लोहे के घिसने की आवाज आई। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि उसके पीछे शैतान का सेवक हाथ में खूनी कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसके पीछे जमीन पर कपड़ों की राख में पेंटिंग पड़ी हुई थी। इसका मतलब उस राख से वो पेंटिंग फिर से जन्मी थी। वो सेवक अभिजीत को पेंटिंग के अंदर लेकर गया। ए शैतानों के देवता, क्या आपको इस लड़के की बलि कबूल है? और उसने बरगद के पेड़ पर लगी मशाल की तरफ देखा। वो उस मशाल के जलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बरगद पर मशाल के जलने का मतलब था कि उसे बलि मंजूर है। पर उस पेड़ पर की मशाल जली नहीं, इसीलिए उसने अभिजीत को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अभिजीत अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। पर शैतान का सेवक उसी जगह रुक गया और भागते हुए अभिजीत को देखने लगा। उस पेंटिंग के बाहर शैतानी बरगद ने अभिजीत की बलि ठुकराई है। ये देखकर बूढ़ी चुड़ैल गुस्सा हो गई और उसने वो पेंटिंग उठाकर जमीन पर पटक दी और बोली, अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वो बूढ़ी चुड़ैल अभिजीत के घर से बाहर आई और रास्ते पर रुक गई। तभी उसे दूर से एक ऑटो उसकी तरफ आते हुए दिखा। वो ऑटो उसके पास आकर रुका। कहाँ जाना है माँ जी? ऑटो ड्राइवर ने उससे पूछा। और जब उस बुढ़िया ने ऑटो ड्राइवर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई। क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर कुछ 19-20 साल का नौजवान लड़का था। अगले नाके तक छोड़ दो, वो बुढ़िया बोली और ऑटो वहां से निकल पड़ा।